सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मिलती है। और आज का जो स्टॉक है वो है हमारा GMDC। देख लो आज लगभग 12.5% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब इतनी तेजी। अब जरा पहले इसका शॉर्ट टर्म का व्यू देख लो, क्योंकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई थी। 5 दिन में अगर आप देखोगे 11% की तेजी है, 1 महीने में अगर आप देखोगे तो 13% की तेजी है, 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 138% का मल्टीबैगर रिटर्न है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लगभग 25% स्टॉक टूटा था अक्टूबर से लेके अभी नवंबर तक, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर। अगर मैं एग्जैक्ट डेट भी बताऊँ तो आपको 16 अक्टूबर के आसपास से, 15 अक्टूबर के बाद सबसे मंडे, ये जो नवंबर है इसका फर्स्ट वीक तक, मतलब 15-20 दिन स्टॉक में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, 25% स्टॉक टूटा, लेकिन उसके बाद अब दोबारा तेजी देखने को मिल रही है। और इसी बीच अगर आप ईयर टिल डेट का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा इसमें भी मल्टीबैगर रिटर्न 135% का, और वहीं एक साल की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो मल्टीबैगर रिटर्न 136% का जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक ने पहले इतना रिटर्न दिया, क्या अभी भी दे सकता है? चलो एक बार टेक्निकल चार्ट देखो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 25% स्टॉक टूटा, 433 से स्टॉक जो जा चुका था 306 रुपए तक, 125 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट हुई थी। अब स्टॉक वापस से ऊपर जा रहा है और स्टॉक में एक जबरदस्त अप ट्रेंड भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 150 रुपए से स्टॉक 450 के समथिंग चला गया, भाई आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कितना जबरदस्त रिटर्न है। अब ऐसे में क्या स्टॉक को बाय करने का मौका बनता है? देखो सिंपल सी क्लियर सी बात बताऊंगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर स्टॉक में अप ट्रेंड है तो बिल्कुल आपको उस स्टॉक का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, और ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। हाँ, स्विंग ट्रेड में देखो कुछ भी पॉसिबल है। मान लो अभी यहाँ पर आपको 13-14% की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, कल को यहाँ पर 10% की रेड कैंडल बन जाए, वहाँ पर लोग डर जाएंगे। तो 2-4 दिन की गिरावट मायने नहीं रखती है, पहले भी गिरा है, आप देखो यहाँ पर है ना 300 रुपये से गिर कर कहाँ तक आ गया था, ये 260 तक। तो ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो चलती रहती है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, स्विंग ट्रेड के अगर आपको स्टॉक चाहिए हर महीने 2 महीने 3 महीने में अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी मंथ आपको 3-4 स्टॉक्स मिलते हैं, कम्युनिटी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 महीने में हमने 25% का प्रॉफिट बुक किया है एक स्टॉक में, विद प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। और एक और स्टॉक जिसमें हमने सिर्फ 3 वीक के अंदर अंदर अपना टारगेट अचीव किया है, ये सारे प्रूफ आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। इससे पहले भी हमने काफी यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं, आप देख सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ सारे आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो अगर आप भी हर महीने 2 महीने 3 महीने में 20-25% 5-10% का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इस स्टॉक में भी कोई बुराई नहीं है, बाई किया जा सकता है, बस वही है कि अगर 1-2 रेड कैंडल बनती है, 5-10% गिरता है तो वहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि स्टॉक में हमें ऑलरेडी अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब इस स्टॉक के बारे में और कुछ अगर आपको जानना है, देखो स्टॉक अच्छा है फाइनेंशियली, अगर मैं इसकी डिस्कस करूँ अच्छा स्टॉक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एक एनालिस्ट के बेस पर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि 25% टूट चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू जो है थोड़ा सा मिक्सिंग नज़र आ रहा है बाइंग और सेलिंग को लेकर। इसके अलावा वॉल्यूम आप देखोगे आज ज़बरदस्त वॉल्यूम है, अगर आप कंपेयर करोगे 1 महीने से, 1 महीने का वॉल्यूम 1 करोड़, 1 वीक का वॉल्यूम 66 लाख, लास्ट ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम 68 लाख और आज 2 करोड़, अब तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें बाइंग अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक अगेन बहुत प्लस पॉइंट है। और पब्लिक का ओपिनियन भी अगर आप देखोगे 100% बाइंग रिकमेंडेशन है। चलो इसका जो टारगेट है वो क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसका रेवेन्यू देख लो, अच्छा खासा 2021 के बाद से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 2021 में नेट लॉस था वो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है, 1213 करोड़ का प्रॉफिट। मैं यहां पर फाइनेंशियली वीडियो नहीं बना रहा हूं, बट आप देखेंगे 74% प्रमोटर्स की होल्डिंग है जिसमें से एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है। डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट करना, इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। 11,000 करोड़ के समथिंग का इसका मार्केट कैप है। कमेंट करके बताना कि आपके पास स्टॉक है या बाय करने का प्लान कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डिटेल नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूं कि देखो आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वैसे तो, ये ठीक है बीच बीच में पहले इसमें लॉस हुआ था बट अभी फिलहाल एक अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है। यहां पर इसमें 2021 में थोड़ा सा लॉस हुआ था, 2020 के बाद से कोविड के बाद से आप लोग जानते क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से आप देख लो आप कंटिन्यूस में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अप ट्रेंड भी है, रिजल्ट भी इसका अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें लास्ट सेप्टेम्बर का, तो रिजल्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से शायद इस स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली थी।
अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें 151 करोड़ से घटकर 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया था, 50% प्रॉफिट टूटा था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी 219 करोड़ से घटकर 75 करोड़ रह गया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से स्टॉक टूटा था, बट अब फिर से नॉर्मली परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। अब रही टारगेट की बात, इसके टारगेट क्या रह सकते हैं, तो भाई इसका सबसे पहला टारगेट जो है वो 400 रुपए का है, 363 पर चल रहा है, 400 रुपए का टारगेट है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस में सिर्फ ग्रीन कैंडल बनेगी, हो सकता है बीच में दो चार रेड कैंडल भी बने, बट 400 रुपए तक का टारगेट है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, फिलहाल होल्ड रखिएगा। हाँ, अगर आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क के बेस पर देख लेना। अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है 400 रुपए प्लस पे, 418 420 पे, तो बिल्कुल आप एवरेज भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, एक दो महीने के अंदर आपका लॉस तो रिकवर हो गया होगा, आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल इसमें होल्ड किया जा सकता है, अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के लिंक जैसे कि अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइएगा, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप ब्रोकर्स है जो ट्रस्ट आप मान सकते हैं, इनमें ट्रस्ट किया जा सकता है। तो अभी आपके पास GMDC का स्टॉक है, आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं और इसके बारे में डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, इसके फंडामेंटल कैसे, फाइनेंशियली कैसी है ये कंपनी और इसके फ्यूचर मॉडल क्या है, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कमेंट कर देना, इसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। प्लेलिस्ट में स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट है ये, इसमें ऐड कर दूंगा वीडियो। इस महीने तो दूसरी वीडियो आने वाली है, तो नेक्स्ट मंथ बना दूंगा मैं। तो यहां पर इसके बारे में आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा वो कमेंट करना, और स्टॉक मार्केट के अलावा और भी फाइनेंशियली मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग, ऑफलाइन अर्निंग, या फिर आप इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट सब कुछ सीखना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेडर लकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवरी वीक थर्सडे रात को 8 बजे वीडियो आती थी, बट अब एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे वीडियो मिलेगी आपको यहां पर, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल चैनल मिस्टर लकी ब्लॉग, चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कमेंट करके जरूर बताना GMDC की आपको डिटेल वीडियो चाहिए फ्यूचर मॉडल के बेस पर या नहीं, और आपके पास स्टॉक है तो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरीके और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।